कोई झुका है और ना कभी झुकेगा, और सच्चाई की जीत होता है। भैया ये देखिए महिलाएं जो हैं सड़क पर बैठ रही हैं। मेरा भाई का जो बॉर्डर किया उनका नहीं चाहिए, जो बॉर्डर किया उनको नहीं चाहिए मेरे को। कुछ नहीं तो बलरामपुर थाने का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवा सकते हैं, किस तरह से मारा गया है, कैसे मर्डर हुआ है। या तो फांसी हो, फांसी हो, फांसी के बदला फांसी हो। हाँ ऐसा, इधर देखिए, इधर पुलिस के जवान पीछे आपको दिखाई देंगे। क्या करेंगे हम लोग को, मांग पूरा नहीं करेगा। कल रात में हम लोग को दौड़ा दौड़ा के मारा है, यार छोड़ दिया था हम लोग किया, हम लोग ऐसा थाने वाला हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, क्या क्या घटना हुई? बहुत सारे, बहुत घटना हो चुका है यहाँ। ये थाना भी आए हुए हैं, वो बातचीत करना चाह रहे हैं। अरे देखिए ये माहौल में दिखा रहा हूँ कैसे थाना। और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सूरजपुर में इस वक्त हूँ और सूरजपुर का माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर देखिए पुलिस के जवान पीछे दिखाई देंगे मेरे, और सामने जो लोग हैं आम लोग वो आपको नज़र आएंगे। और यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। भैया क्या करने जा रहे हैं इधर आप लोग? चक्का जाम करने। चक्का जाम करने? क्यों चक्का जाम कर रहे हैं? हमारा मांग पूरी नहीं हो रहा है, इसलिए मांग पूरी नहीं हो रही है इसलिए चक्का जाम कर रहे हैं। ऐसा क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं मौत के बदले मौत हो, या तो फांसी के बदले फांसी हो। नहीं तो फांसी के बदले फांसी हो। हाँ तो अभी तत्काल ये निर्णय नहीं लिया जा सकता ना, ये तो तत्काल ही होगा। तत्काल ही होगा, तत्काल ही मांग होना चाहिए। ऐसा इधर देखिए, इधर पुलिस के जवान पीछे आपको दिखाई देंगे, और सामने की तस्वीर दिखाइए। सामने की तस्वीर मैं दिखाता हूँ, और लोगों से बातचीत भी हम करेंगे कि लोग क्या चाह रहे हैं। भैया दीदी किधर जा रहे हैं, इधर क्या करेंगे आप लोग? हम लोग चौराहे में रोड जाम करेंगे। रोड जाम करने जा रहे हैं? रोड जाम करेंगे। क्या करेंगे हम लोग को, मांग पूरा नहीं करेगा। कल रात में हम लोग को दौड़ा दौड़ा के मारा है थाने वाला। ऐसा आप लोग थाने के ऊपर हमला कर दिए थे ऐसा बता रहे थे? नहीं हमला किया हम लोग, वो लोग आगे किया, गैस छोड़ दिया था हमला किया हम लोग। वो लोग पहले गैस छोड़ दिए उसके बाद आप लोगों ने हमला किया? हाँ ऐसा। हाँ चा, हाँ तो अभी क्या चाहते हैं, किस प्रकार से न्याय चाहते हैं आप लोग? हम लोग को न्याय चाहिए, हम लोग को बच्चा को मार दिया थाने में कभी ऐसा। हम लोग बलरामपुर के है, और इतना दिन से बचपन हम लोग यहीं पैदा हुआ, हम लोग ऐसा थाने वाला कभी नहीं देखा। ऐसा हाँ। थाने वाला हम लोग को नहीं चाहिए। हाँ हाँ। और टीआई को तो एकदम फांसी चाहिए। टीआई को सस्पेंड कर दिया गया, टीआई को हटा दिया गया। भैया सस्पेंड करोगे तो पैसा मिलेगा उसको। किसको पैसा मिलेगा? उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो एकदम सस्पेंड कर दो, कुछ भी करो भैया, न्याय चाहिए हम लोग को। आपका क्या लगता था लड़का? मामा। आपका मामा लगता था? हम्म। देखिए पुलिस की भारी आबादी दिखाई देगी, महिला पुलिस भी है, महिला बल भी है, और पुलिसकर्मी भी है। और का है? हाँ, मारेगा तो एक ठो को तो मार दिया, हम लोग को मार देगा तो मर जाऊंगी। क्या है पुलिस से डर नहीं लग रहा है? नहीं हम लोग को डर लगता तो रात में थाना में जाता, हम लोग नहीं डरते। नहीं तो थाना में आप लोगों ने हमला बोल दिया ऐसा पुलिस वाले कह रहे थे, ये भी गलत बात है। हम लोग हमला नहीं बोल दिया, हमला नहीं बोला। एक इंसान को भैया मारेगा थाना में तो आप छोड़ देंगे? हाँ, हाँ, बोलेंगे नहीं कुछ बोलने का। जब हम इंसाफ मांगने जा रहे हैं तो हमें इंसाफ मिलनी चाहिए ना। अभी इधर क्या करेंगे, इधर आप लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग को चक्का जाम का, हमको इंसाफ चाहिए, अभी आज चाहिए हम लोग को, हमको इंसाफ चाहिए। तो चक्का जाम से इंसाफ मिल जाएगा? हाँ हाँ, आएंगे हमारे देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आए और इंसाफ करें, क्योंकि यहाँ पहली बार नहीं है, तीन बार हो चुका है। ठीक है, क्या क्या घटना हुई? बहुत सारे, बहुत घटना हो चुका है यहाँ, ये थाना में यहाँ एक से एक घटना हो जाता है, पता नहीं। इंसाफ चाहिए, और लाठी सुनिए, सत्य में विजय, सत्य के आगे कभी ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा, और सच्चाई की जीत होता है, और जीत जो है सच का होता है। सत्य में विजय क्यों कहा गया है, जीत सत्य सच्चाई की होगी, हम जीतेंगे। महात्मा गांधी देश को आजाद कराया सुभाष चंद्र बोस, हम महात्मा गांधी के राह में चलने वालों में से नहीं है। नहीं तो महात्मा गांधी के राह पे चलिए, महात्मा गांधी चाहे फिर देश गुलाम होने वाला है फिर से। ऐसा क्यों सजा, इंसाफ क्यों नहीं मिलता है? इधर आइए, इंसाफ क्यों नहीं मिलता है? इन लोगों से बातचीत करता हूँ मैं, ये और लड़के हैं इनसे ही बातचीत करता हूँ। भाई क्या करने वाले इधर आप लोग? हमको एक ही चीज चाहिए, हाँ इंसाफ होना चाहिए। हाँ और जो जो किया है थाना में जो था प्रभारी उस समय, हाँ हाँ, उनसे सस्पेंड करो और धारा लगाओ। नहीं तो ये चक्का जाम कर रहे हैं आप लोग, तो इंसाफ तो नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, हाँ। इंसाफ नहीं हो रहा है, मृत्यु को पहले से ही जलाने का इस्तीफा कर रहा है इन लोग। हाँ इंसाफ कहाँ है भैया? ऐसा भाई आपका घर का होगा तो आप क्या करेंगे?
ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि घर का जब मामला आता है, जब अपना कोई मेरा भाई है, भाई मेरे साथ वो पढ़ा है, मैं इसका दोस्त हूँ, वो मेरा दोस्त था। इधर देखिए चक्का जाम की स्थिति हो गई है, ये देखिए महिलाएं जो हैं सड़क पर बैठ रही हैं, और कुछ लोग हैं वो लोग भी सड़क पर बैठ रहे हैं, उन लोगों से देखिए, ये देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लग रहे हैं लगातार, और इधर देखिए इधर पुलिस के बहुत सारे बल है, वो पुलिस की सुरक्षा देखिए, कल की जब घटना हुई थी उसके बाद पुलिस सुरक्षा को बढ़ा दी गई है पूरी तरीके से, और इन लोगों से बातचीत करते हैं। भैया क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग नया चाहते हैं। कैसे मिलेगा नया? जो उस दिन ड्यूटी में था उसको सामने ला कर खड़ा करें। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। इधर देखिए इधर लोग जो है चक्का जाम करने को आ गए हैं, ट्रक है, ट्रक इधर लाइन से लग रही है, ये देख लीजिए आप, और मैं यहाँ की हर एक तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। भाई क्या चाह रहे हो आप लोग? इंसान चाहिए भाई, पुलिस प्रशासन। परिवार से आप? गुंडागर्दी, पुलिस की गुंडागर्दी। क्या चाहते क्या है? विचार, विचार चाहते हैं, मतलब न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। मिलेगा न्याय? कुछ भी करके तो न्याय चाहिए। चक्का जाम करने से न्याय मिल जाएगा? चक्का जाम रहेगा जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलता, तब तक चक्का जाम रहेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा चक्का जाम रहेगा, जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक चक्का जाम रहेगा। देखिए चक्का जाम की स्थिति पैदा हो रही है, और इधर देख लीजिए पुलिस के काफी सारे लोग हैं, आम जनता भी है। अब लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है कि आने जाने ना दिया जाए, चक्का जाम किया जाए, और न्याय चाहिए, इसलिए चक्का जाम करने सड़क पर लोग उतर आए हैं। उधर देखिए उधर जो गाड़ियां जा रही है उन गाड़ियों को भी रोका जा रहा है, ठीक है। महिलाएं भी है, उन महिलाओं से भी हम बातचीत करते हैं कि वो महिलाएं किस प्रकार से आक्रोशित है। वो महिलाओं की बातचीत मैं आपको सुनाता हूँ, महिलाएं कितनी आक्रोशित हैं, ये देखिए महिलाओं से भी बातचीत करते हैं। दीदी क्या चाह रहे हैं? मेरा भाई का जो मर्डर किया उनका न्याय चाहिए, जो मर्डर किया उनको न्याय चाहिए, मेरे को उसको सामने लाने के लिए बोलिए, उसके सामने कोई एक बहन है, दो बहन है, एक भाई मेरा भाई पुलिस वाले ने मार दिया है, एक बहन जिंदा है, पुलिस वाला चोर है, पुलिस वाला गुस्सा है, मेरा भाई को मार दिया, पुलिस वाला उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय चाहिए, उसको सामने लाने, उसका ना सामने लानी है, उसके खून है, पैसा का के मेरा भाई को मार कर दिया, पुलिस वाला मेरा भाई को न्याय चाहिए, मेरा भाई को न्याय चाहिए, मेरा भाई को न्याय चाहिए। दीदी कैसे मिलेगा न्याय? भाई को कैसे न्याय मिलेगा? क्या न्याय चाहे? जो खूनी है, जो ड्यूटी ऑफिस में ड्यूटी टाइम में जिस टाइम में उसका मौत हुआ, जिस टाइम ड्यूटी ऑफिसर जो थे, उसका सामने चाहिए। पीआई एसपी डीएसपी छोटा एसपी छोटा दारोगा, ठीक है, सब इन्वॉल्व थे इसमें, और सबको पता है कुछ नहीं तो आप बलरामपुर थाने का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवा सकते हैं, किस तरह से मारा गया है, कैसे मर्डर हुआ है। इधर देखिए, इधर दिखलाइए, पुलिस के भी, पुलिस बातचीत करना चाहते हैं, अधिकारी भी हैं, कुछ अधिकारी भी आए हुए हैं, वो बातचीत करना चाह रहे हैं। और ये देखिए ये माहौल मैं दिखा रहा हूँ, कैसे तानातनी हो रही है, ये सामने का माहौल देखिए किस प्रकार से स्थिति पैदा हो रही है, ये हर एक चीज़ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। क्या क्या बात हो रही है देख लीजिए, हमारे पूरा देख लीजिए, नहीं दे रहा है यहाँ पे, हैं कई जगह रोक के रखा है, गणेश मोड़ थाना के पास, बलरामपुर समाज को बलरामपुर में आने नहीं दे रहा है, ताता पानी विश्राम नगर 17 कॉलोनी का जितने भी बंगाली है बलरामपुर जिला में आने नहीं दे रहा है स्टाफ लोग, कई जगह ब्रेटिंग लगा के लोग रोक के रखे हैं, अभी तक ताता पानी कोसाबाड़ी के पास नहीं भी होता है, हजारों आदमी रुके हुए हैं सिर्फ भाई को न्याय दिलाने के लिए, ऐसे ऐसे गणेश मोड़ भी कई जगह स्टाफ लगा के रखे हैं कि बंगाली समाज यहाँ पे ना आए। देखिए इधर देखिए की स्थिति पैदा हो रही है इस जगह में,
मार के बाप को मारा है, बेटा को मारा है, लड़का को मारा है, भाई बेटा को मारा है, तब कोई पुलिस वाला नहीं आया, तब कोई पुलिस वाला नहीं आया। लोगों के साथ जो मारा गया है तब ये पुलिस वाले आते, तब इनका शांति का वार्तालाप हो रहा था। स्थिति है प्रोग्राम करने के लिए जब आए उसके बाद की जो स्थिति मैं दिखा रहा हूँ, और पुलिस के जो अधिकारी आए हैं उनसे बातचीत हो रही है, और लगातार जो तनाव की स्थिति है वो इस जगह में हो रही है। पुलिस वाले साथ उनकी इससे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। इधर देखिए, न्यायिक जांच होता है, इसमें पुलिस का कोई इन्वॉल्व नहीं। सर इधर देखिए, यहाँ पे जो स्थिति पैदा हो रही है, स्थिति ये स्थिति देखिए, और लोग चक्का जाम करने के लिए इस जगह में आए हुए हैं, और पुलिस से बात करने को भी तैयार नहीं हो रहे हैं। और यहाँ की जो स्थिति वो स्थिति मैं आपको दिखला रहा हूँ। इधर फोर्सेस देखिए, कितनी संख्या में फोर्स हैं, फोर्स के जवान हैं, ये संख्या भी देखिए, और लगातार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। यहाँ पर लोग चाह रहे हैं चक्का जाम करना, आक्रोशित लोग हैं, सड़क पर बैठ जा रहे हैं। पीड़ित के जो परिवार के लोग हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। ये परिवार चाह रहे हैं कि तत्काल न्याय मिल जाए। किस प्रकार से बिलख बिलख कर बुरा हाल है ये देखिए, और ये स्थिति दिखा रहा हूँ। उधर चक्का जाम की स्थिति भी दिखाइए आप, कि किस प्रकार से लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है लोग, ठीक है। और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और किस प्रकार से जो स्थिति वो स्थिति हर एक स्थिति में आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से लोग यहाँ से लोग आक्रोशित हैं। लोगों की आक्रोश आपको देखिए, लोगों का आक्रोश आपको साफ दिखाई पड़ेगा। लोग चक्का जाम करने को आतुर हैं लगातार, और पीड़ित जो हैं, पीड़ित के परिवार वाले जो हैं, रो रो कर बिलख रहे हैं, रो रो की इनकी बुरी स्थिति हो गई है। यहाँ का हर एक अपडेट मैं आपको देने का प्रयास करूँगा किस प्रकार से जो बलरामपुर है वहाँ की स्थिति है।